शिखर पर मिलेंगे। उस किताब में एक प्रिंसिपल दिया है और वो प्रिंसिपल का नाम है 90-10 प्रिंसिपल। ये 90-10 प्रिंसिपल क्या कहता है, एक इंसान की जो बॉडी होती है वो बॉडी के अंदर उसके दिमाग का हिस्सा जो होता है, गर्दन के ऊपर का हिस्सा वो 10% होता है और गर्दन के नीचे का हिस्सा 90% होता है। लेकिन उस इंसान की जिंदगी में कामयाबी के लिए उसके दिमाग का 90% हाथ होता है और शरीर का खाली 10% हाथ होता है। मतलब एक इंसान कामयाब होता है तो वो 90% अपने दिमाग से कामयाब होता है और 10% अपने बॉडी का इस्तेमाल करके कामयाब होता है। अब सोचिए कि हमारे 90% का जो कामयाबी है वो दिमाग से मिलती है और खाली 10% हमारे शरीर से मिलती है। और हम करते क्या है कि हम अपने शरीर के लिए रोज का 3 टाइम का खाना खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते, अच्छा बॉडी स्प्रे परफ्यूम वगैरह सब लगाते हैं, लेकिन दिमाग के लिए हम कुछ नहीं। तो ये 90-10 प्रिंसिपल ये कहता है कि जिससे आपको 90% कामयाबी मिलती है उसके लिए आपको कुछ चीजें फिक्स करनी पड़ेगी। आपको अपनी लाइफ में रोज एक लर्निंग का शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि मैं इतना टाइम लर्निंग के लिए दूंगा ही, मैं इतना समय सीखने में लगाऊंगा। क्योंकि अगर आपका ज्ञान पुराना है तो पुराने ज्ञान से आज आप नए जमाने में अपना व्यवसाय नहीं कर सकते। अधिकतर लोगों को ये भ्रम होता है कि मेरे पास है ना, मुझे सब आता है, मुझे सब पता है। मैं आपको बताऊं, आज के समय में रोज पूरी दुनिया बदल रही है और पूरी दुनिया बदलने के साथ में अगर मैं अपना ज्ञान को नहीं बदल रहा हूँ, ज्ञान अपडेट नहीं कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं आने वाले समय में पीछे जाने वाला हूँ। तो खास ध्यान रखना, पुराने ज्ञान से नया दरवाजा आप नहीं खोल सकते। तो आपके माइंड को डेवलप करने के लिए रोज आपको एक ऐसा समय निकालना पड़ेगा जिस समय आप अपने आप को सीखने पर अपना टाइम लगा। तो हमें हमारे ज्ञान को लगातार बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमें हमारी जिंदगी में स्पीड से अगर हमें विकास करना है, हमें ग्रोथ करना है, हमें आगे बढ़ना है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। और वो फॉर्मूला है लर्न, अनलर्न और रीलर्न। सीखना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा और फिर नया सीखना पड़ेगा। ये हमें हमारे जिंदगी में ये फॉर्मूला लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, तब ही आज के इस कॉम्पिटिटिव दुनिया के अंदर हम मार्केट में टिक पाएंगे। अगर हम ये सोचे कि पुराना ज्ञान हमारे पास जो है उसी से ही हम सारी चीजें चला लेंगे, तो ये हमारी भूल है, ये हमारी दिक्कत है, जिससे आपको बहुत सारी तकलीफ आएंगी। सोचिए, आज का कंप्यूटर का जमाना है, अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता है, आप भले ये सोचे मैं कंप्यूटर नहीं सीखूंगा, इससे क्या दुनिया पीछे रह जाएगी? इससे क्या आपके कहने से दुनिया रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। आपको कंप्यूटर सीखना ही पड़ेगा, तो आपको सीखना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा, फिर नया सीखना पड़ेगा। ये लगातार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पे हम अगर ये नहीं करेंगे तो हमें क्या क्या फर्क पड़ेगा वो हम सब जानते हैं। अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम हमारी जिंदगी में बहुत पीछे रह जाएंगे, बहुत सारी कामयाबी है जो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्यों पढ़ना चाहिए, रोज क्यों पढ़ना चाहिए, उसका मैं कुछ कारण आपको देता हूँ। कुछ ऐसे लोगों की मैं आपको बात करता हूँ, कुछ ऐसे लोगों को मैं आपसे मुलाकात करवाता हूँ कि जो लोग आपके जैसे मेरे जैसे ही थे और आज खाली वो पढ़ पढ़ के कितना कामयाब हो चुके हैं, मैं आपको बताता हूँ। शायद आप इस पर्सन को जानते होंगे जिनका नाम है बिल गेट्स। आज बिल गेट्स हर हफ्ते एक किताब पढ़ते हैं। आप इनको जानते होंगे मार्क जुकरबर्ग, जो हम फेसबुक यूज करते हैं। आज ये इंसान हर साल 50 किताबें पढ़ते हैं, आप इनको जानते होंगे वॉरेन बुफेट, जो इंडिया दुनिया के थर्ड रिचेस्ट पर्सन है। आज वो हर महीने 600 से 1000 पेज पढ़ जाते हैं। मतलब समझना, दुनिया का सबसे अमीर इंसान अगर रोज पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है? एक सोच उठती है, कामयाबी की जरूरत इनको है या हमें, पैसे की जरूरत इनको है या हमें, नाम शोहरत और रुतबे की जरूरत इनको है या हमें? लेकिन फिर भी देखिए, ये रोज पढ़ाई करते हैं
और हम पढ़ाई नहीं करते हैं और हम ये सोच कर बैठ जाते हैं हम MBA बन के बैठ जाते हैं।